भागलपुर बिहार की एक ऐतिहासिक कवित्री। सबसे पहले तो मैं नित्यांशी कला जगत का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वो उन्होंने COVID-19 के इस माहौल में भी हमें कुछ रचनात्मक करने का मौका दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मौत तो आनी ही है और कोविड एक महामारी के रूप में हमारे सामने एक दुश्मन की तरह खड़ी है, तो क्यों ना इस दुश्मन को हम अपनी सतर्कता से और अपनी चतुराई से हराए। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि घर बरसों से बहुतों का इंतजार करता रहा है जो घर में रहकर भी घर में नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष रख रही हूँ। पेश है मेरी पहली कविता, नारी हूँ मैं। हर दिन हर लम्हा कोई नफीस नाजुक सी इबारत मेरे मस्तिष्क व हृदय स्थल पर हर बाहर छपती है, पर कोई उसे पढ़ नहीं पाता, कोई उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एक नारी हूँ। पैदा लेते ही जिसे चुप रहने की तालीम दी जाती है, और अगर बोलना भी चाहे तो चुप करने के तरीके खोज लिए जाते हैं। समाज, परिवार, अदालतें और धर्मशास्त्र की सारी बंदिशें सिर्फ हमारे लिए हैं, क्योंकि सारी सृष्टि को अस्तित्व देकर भी हम खुद अस्तित्व की तलाश में हैं। मित्रों, जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसकी मनोदशा क्या होती है, तो मैंने उनकी मनोदशा को अपनी एक कविता के माध्यम से पिरोया है। पत्ता और मैं। देखकर साथ से गिरे पत्ते को मुझे लड़की होने का एहसास हुआ। कितनी खामोशियां सुना गया वो पत्ता जब बोलने पर आ गया। उफ वो भी नहीं करता, आह मैं भी नहीं भरती। क्या है उस पार जो मैं देख पाई, विवस्ता ही जिंदगी से जुड़ी हुई पाई। काश उसकी तरह मैं भी एक बार ही टूटती, जिंदगी के मझधार से एक बार ही जूझती। कितनी जल्दी उड़ निकला वो, पर मुझे तो उड़ते जाना है उस सोने के पिंजरे तक कैद करने के लिए कर रहा जो प्रतीक्षा मेरी। दोस्तों, मेरी अगली रचना तूफान ने कसम खाई है। यहाँ आप तूफान का संबंध COVID-19 से भी लगा सकते हैं। तूफान ने कसम खाई है रोशनी मिटाने की, मुझको भी ये जिद सी है सम को जलाने की। कब तलक तो ये बिजली घर मेरा जलाएगी, अपनी तो ये आदत है आशियां बनाने की। तह में मैं समुद्र के बेसबब नहीं उतरी, मेरी भी तमन्ना है मोतियों को पाने की। देगी क्या तुम्हें राधा, सोचो तो हिमाकत है दिल्ली से लगाना भी। दोस्तों, मेरी अंतिम रचना जो मैंने नित्यांशी कला के लिए लिखी है, तो सुनिएगा। नफरत की बात है न मोहब्बत की बात है, नित्यांशी कला के मंच पर आना इबादत की बात है। वो हम नहीं जो फूलों को चूमे मसल भी दे, इस मंच पर आना ही इबादत की बात है। दोस्तों, तो बताइएगा कि आपको मेरी रचना कैसी लगी। और हाँ, घर में रहिए, सतर्क रहिए और अपनों के साथ जिंदगी बिताइए, क्योंकि हमेशा जिंदगी हमें ये मौका नहीं देती। हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन अपनों के लिए वक्त नहीं होता। तो दोस्तों, राधा को इसी के साथ आज